हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावनिया ही गाए। हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावनिया ही गाए। हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावनिया ही सवालों का जवाब दिया तो मैं हाथ जोड़ के शीश झुका के उन्हें सीख के चला जाऊंगा। क्या कह दिया भला? अरे बह माता की, बह माता की मात बता दे, बह माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का अरे शिव शंकर का गुरु बता फिर का करूंगा गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा गोरा की। अरे अष्टभुजी किसकी पुत्री जने करी सहायता चोरा की, उस साधु का भाई उस साधु का अरे उस साधु का नाम बता जने करी सवाल मोरा की, उस साधु का नाम बता जने करी सवाल मोरा की। ओ गुरु जी मने का भ्रम मिटा दे कोई गावनिया ही गा दे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावनिया ही गा दे। हमारे बीच में एक बड़ी ही शख्सियत, बड़े ही महान दानवीर महासिंह सरपंच साहब जी, जो कि गांव काकरोला से हमारे बीच में पहुंचे हैं भाई, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करते हैं। आइए साथियों क्या बताएं अगली बात में मंजू शर्मा जी। न्यू बोले के पता हो मेरा हो किसी ने तो उस बच्चे का नाम बताओ जो ना तो पिता ने पैदा किया और ना बह माता ने घड़ा। वो ऐसा कौन सा बालक है जिसका नाम तुम बता सकते हो? क्या क्या बोला? अरे उस लड़के का, उस लड़के का नाम बता दे। अरे उस लड़के का नाम बता दे। ना माता के पेट पड़ा, बिना पिता के पैदा हो गया, बे माता ने नहीं गड़ा। बिना पिता के पैदा हो गया, बे माता ने नहीं गड़ा। अरे लेते जन्म करी लड़ाई, लेते जन्म करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, किसकी सेना हरा दई फिर देवलोक में जिक्र छिड़ा। हो किसकी सेना हरा दई फिर देवलोक में जिक्र छिड़ा। ओ गुरु जिया पर मैं पास बता दे कोई गावनिया ही गा दे। ओ गुरु जी ऐसा क्या कोई गावनिया ही गा दे।
और सजनों तीसरे अंतरे में बड़ी सुंदर बात बताई कवि ने कि कुबेर को घमंड हो गया, कुबेर को घमंड हुआ, भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण दिया अपने यहां भोजन का। वो तो परमेश्वर है, अंतर्यामी है, सबकी माया जानते हैं। शिव शंकर को जब बुलाने का निमंत्रण भेजा तो भगवान भोलेनाथ ने गणेश को भेज दिया। जब गणेश न्योता खाने के लिए कुबेर के यहां पहुंचे तो जितना भी भोजनालय में भोजन था सबको खा लिया। भूख शांत नहीं हुई गणेश भगवान की तो जितने भी बर्तन भांडे थे सबने खाना शुरू कर दिया। गणेश भगवान ने देखा तेरा कुछ नहीं बचेगा कुबेर ने, तो दौड़कर शंकर भगवान के चरणों में लेट जाते हैं और गणेश को शांत करने के लिए क्षमा याचना करते हैं। माँ गोरा गणेश भगवान को मोती चूर का लड्डू खिलाती है और गणेश भगवान की भूख को शांत करती है। यहां इसमें घमंड की बात बताइए कि घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए, क्या बताया भला? अरे बाप के ब्याह में, बाप के ब्याह में बना बिचोला, बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़को किसने जाया कर असरोसी, अरे कर असरोसी, अरे कर असरोसी, वृद्धि देवता गुण से युग जी मन आया हो, कर असरोसी वृद्धि देवता गुण से युग मन आया। अरे किसकी होगी हार बताओ, किसकी होगी हार बताओ, छकाना भुक्का ठाया था जुजल के कारण, जुजल के कारण, जुजल के कारण पर ले होगी जब चोगर दे जल भर साया हो, जल के कारण पर ले होगी चोगर दे जल पर साया हो। गुरुजी हो गुरुजी तेल थरा में गीला दे कोई दावड़िया गीला दे हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई बावड़िया गीला दे। आखिरी अंतरे में बड़ी सुंदर बड़ी गुणने के लायक बात बताई कि बिन बुलाए मानस ने किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। बताया कि राजा दक्ष ने यज्ञ किया और खुद परमेश्वर को निमंत्रण नहीं दिया, भूल की वीरबानी जो हुआ कर रहे ना घर की मर्यादा में रहनी चाहिए और पति जो कहे जो समझाए उसको भी मानना चाहिए। लाख बार समझाया पर उड़ते हुए विमानों को देखकर रहा नहीं गया पार्वती पे, बिन बुलाए पहुंच गई पीहर में और नतीजा क्या हुआ कि प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और बाद में क्युकर कैसे क्या हुआ, उस शक्ति ने क्या किया बताया इस राग में। अपनी खुशी सर खुशी से, अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, अपनी खुशी से प्राण त्याग दिए, लड़की का चोला पाया हुई जवान, अरे हुई जवान, हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोया ब्याह करवाया हो, हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोया ब्याह करवाया। अरे किस तरिया से उस लड़की ने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लागी
पुत्र का सर तरवाया हो पति की सेवा करने लागी तरवाया हो गुरु जी लख भी चंद ने समझा दे कोई बावड़िया ही गाने हो गुरु जी ऐसा क्या ने सिखा दे कोई बावड़िया ही गाने हो गुरु जी ऐसा क्या ने सिखा दे कोई बा